आगे सभी थोड़ा रह गया अभी शायद। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। वेट हाँ जी, तो अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है। गुरमीत वांटेड टू परफॉर्म। मेरी मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है ठीक है, ओके चलो। गुरमीत वांटेड टू परफॉर्म एक्टिविटी 16.8 यूजिंग अ लेजर टॉर्च। हर टीचर एडवाइज्ड हर नॉट टू डू सो। कैन यू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ अ टीचर्स एडवाइस। ठीक है, अब क्या है कि गुरमीत है, ठीक है, वो कोई भी एक्टिविटी अगर परफॉर्म चाहता है, ठीक है, उसने बोला कि लेजर लाइट से करूंगा, ठीक है। अब लेजर लाइट के लिए उसके टीचर ने मना कर दिया, ठीक है। तो अब लेजर लाइट को उसने क्यों मना किया, मुझे कोई बता सकता है? मैम जो लेजर लाइट होती है वो आंखों के लिए हार्मफुल होती है। वेरी गुड, ठीक है, इसीलिए उन्होंने आपकी आंखों को कर सकता है ना, और इसीलिए आपको जो लेजर लाइट है उसको यूज नहीं करना चाहिए, है ना। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर आईज। आप अपनी आंखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, बताइए। बहुत सारे हमने टिप्स बताए थे आपको, है ना, बताइए। वस्तुएं धुंधली दिखाई देने पर नेत्र चिकित्सक को उचित चश्मा पहनने। ठीक है, चश्मा अच्छे से पहनना चाहिए अगर आपके आई में कोई भी डिफेक्ट है। ओके डन। उसके बाद और नंगे आंखों को कभी भी सूर्य की ओर न देखें। ठीक है, गुड, हाँ ठीक है। सनलाइट के लिए नहीं देखना चाहिए, सनलाइट डायरेक्टली नहीं देखनी चाहिए। ओके, नेत्र में स्वच्छ जल से छींटे लगाएं। हाँ, अगर आपकी आईज में डस्ट है, ठीक है, तो आप अपनी क्या करना चाहिए, आईज को अच्छे से वॉश करना चाहिए, ठीक है। और 25 सेंटीमीटर याद है कुछ, समझाया था कल? यस मैम। अपने मोबाइल फोन को 25 सेंटीमीटर दूर रखो। 5 किलोमीटर। हाँ जी ठीक है, किलोमीटर नो बेटा, सेंटीमीटर। किलोमीटर अच्छा ठीक है। और फिर और कुछ किसी बच्चे ने बोलना है? ठीक है चलो, ये अच्छे से याद रखने हैं सभी ने, ना। ठीक है बेटा, ओके मैम। उसके बाद आएगा, ओके, उसके बाद आएगा व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे एट एन एंगल ऑफ एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। बेटा देखो, ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा हल्का सा घुमावटी है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है, सरफेस है, प्लेन सरफेस, मिरर है, ठीक है, ये रहा मेरा मिरर। अच्छा एक बात बताना, ये जो डैश लगाते हैं ये हम किधर की साइड लगाते हैं? मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था मैम, जिस साइड मिरर के बैक साइड मैम। हाँ, मिरर का बैक साइड, ठीक है, ओके, मिरर का ये बैक साइड है। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे क्या है, जो इंसिडेंट रे है वो आ रही है, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे होके जा रही है, अभी यहाँ नॉर्मल नहीं खींचा, बट इसमें क्या बोला है कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के, वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। इन दोनों के बीच का अगर एंगल कितना है, 90 डिग्री है सपोज, ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो आप क्या करोगे, नॉर्मल खींचोगे, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है जो नॉर्मल है वो क्या करता है, एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वल, दो इक्वल पार्ट्स होंगे तो क्या होगा, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हो जाएगा 45 का, है ना, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा 45 का। आगे समझ, ये है हमारा क्वेश्चन, आंसर भी आ गया होगा समझ में कि आपको क्या लिखना है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है कि एंगल आई प्लस
एंगल R इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक। तो एंगल जब ये दोनों इक्वल हैं तो एंगल टू एंगल I इक्वल्स टू 90 डिग्री, फिर एंगल I इक्वल्स टू 90 अपॉन टू, ठीक है। तो 90 अपॉन टू क्या हो गया 45 डिग्री, ठीक। तो एंगल R भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि क्यों ऊपर हमने क्या लिखा ये वाली चीज एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, आ गया समझ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये तो बहुत सिंपल है। yes, ma'am. किसी को बस कोई डाउट है ना इस चीज में तो मुझसे पूछो बेटा। नो मैम। ओके जी मैम। ओके अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि हाउ मेनी इमेजेस ऑफ अ कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन का मीनिंग बेटा ये है कि अगर आपके पास दो मिरर, ठीक है, जैसे मिरर वन और मिरर टू, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 40 सेंटीमीटर है, ओके। और अब इन्होंने क्या किया कि बीच में ना एक कैंडल खड़ी कर दी, ठीक है, एक कैंडल लगा दी। तो उससे पूछा है कि आपको कैंडल की कितनी इमेजेस दिखेगी। बेटा क्या होगा, देखो अगर दो मिरर्स आमने सामने है ना तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन बार बार होगा, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो क्या होगा, जो हमारी इमेजेस है वो कैसे बनेंगी, अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट बनेंगी, अनगिनत बनेंगी, ठीक है। ओके मैम, आया समझ? क्या होगा, आप यहाँ पे जो इनफाइनाइट हो रहे हो, आपने दे दिया कि मैम इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी, बट बेटा क्यों बनेगी, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से बनेगी, ठीक है। ओके मैम। ओके अब नेक्स्ट आया है आपके पास टू मिरर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक। इम्पोर्टेंट तो खैर सारे ही हैं, बट एक होता है ना थोड़ा घुमावटी क्वेश्चन जरूर डालते हैं ये, तो वो है ये, ठीक है। तो टू मिरर्स मीट एट राइट एंगल, ठीक है, अगर दो मिरर जो हैं, वन मिरर ये रहा, मिरर वन, मिरर टू, ठीक, ओके। अब ये क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं अपने पास, ठीक है, ये दोनों क्या है 90 डिग्री एंगल पे है। तो अब आपने क्या करना है कि ओके एक आ रही है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अगर एक मिरर पे एक इंसिडेंट रे आ रही है और वो कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री बना रही है नॉर्मल के साथ, ठीक है, तो आपने बताना है कि आपने क्या करना है, दूसरी मिरर का रिफ्लेक्टेड रे देखना है, दूसरे मिरर का रिफ्लेक्टेड रे। तो अब देखो मेरी बात सुनो, अब अगर इसका जो इंसिडेंट रे है वो 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री का होगा, मेरे को एक बार ये बताओ। 30। वेरी गुड, 30 का होगा, ठीक है। सपोज ये ऐसे करके गई, ठीक, ये ऐसे करके यहाँ पे इंसिडेंट हो गई, ठीक है बेटा। अब एक चीज ये बताइए कि ये तो 30 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, बताए किसी को? बेटा 90 में से 30 माइनस करो कितना आएगा? 70। 70? 90 में से 30 माइनस करो 60। 60। 60। और ले। 60 आएगा, ठीक है? 60 आएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। 60 आएगा, ठीक है? तो क्या हुआ, अब यहाँ से खिंच गई एक नॉर्मल, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये जो इंसिडेंट रे है ये कितने एंगल बना रही है, 60 का बना रही है, तो इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ये कितने का बनाएगी, ये भी 60 का बनाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा ना बेटा, यहाँ क्या बनेगा, जो रिफ्लेक्टेड रे बनेगी वो कितने की बनेगी, 60 डिग्री एंगल की बनेगी, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे ऑफ एम टू की, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब नेक्स्ट आ जाओ, हुजो स्टैंड्स एट ए जस्ट ऑन द साइड ऑफ अ प्लेन मिरर एज शोन इन फिगर, ओके, कैन ही हिमसेल्फ इन मिरर आल्सो कैन ही शो व्हिच ऑफ
ओके देखिए, अब इन्होंने बोला है कि एक तो ये बताना है आपने कि भूजो यहाँ खड़ा है, ठीक है, ये रहा भूजो, दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. अब भूजो क्या कर रहा है, यहाँ पे खड़ा है और इसकी जा रही है एक इंसिडेंट रे, ये मिरर हो गया, ठीक। तो उन्होंने बोला है कि क्या ये अपनी इमेज देख सकता है, क्या ये देख सकता है, बताइए। अगर बेटा प्लेन मिरर है तो क्या कोई बंदा अपनी इमेज को देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है, बताओ जरा एक बारी, आज तुम पिटोगे फिर। अरे मैम फंसा दिया, मैम दोबारा बोलना मैम। अच्छा देखो, यहाँ लिखा है कि अगर एक जो सपोज आप खड़े हो, ठीक है, और आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, ठीक, तो क्या आप अपने आप को मिरर में देख सकते हो? पहले तो ये देखो कि मिरर में किधर की साइड खड़ा है, ये रहा, ठीक है, यहां से खड़ा है वो, ठीक है, यहाँ पे आएगी रे, ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके कहीं और जाएगी क्योंकि ये प्लेन मिरर है, ठीक है, आया समझ? जो रिफ्लेक्शन होगा ना बेटा ये कहीं और, ठीक है, तो भूजो को अपनी इमेज दिखाई नहीं देगी, ठीक है, पर जो हमारी इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, पी तक भी जा सकती है, क्यू तक भी जा सकती है और आर तक भी जा सकती है, ठीक है, ठीक है, आया समझ? यस मैम। हाँ जी। अब उसी चीज पर पूछिए कि क्या जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो देख सकता है पी क्यू और आर के, क्या वो ऑब्जेक्ट है वो देख सकता है पी क्यू और आर के? अगर सपोज जो P है वो P एक ऑब्जेक्ट है, Q भी एक ऑब्जेक्ट है और R भी एक ऑब्जेक्ट है, तो क्या भूजो इन ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है मिरर में? क्योंकि इमेज देख रही है ना, तो इमेज तो मिरर में ही दिखेगी। यस मैम। देख सकता है, P की देख सकता है, Q की देख सकता है, पर R की नहीं देख सकता क्योंकि R की इमेज यहाँ नहीं बनेगी बेटा, है ना? आर बिल्कुल कैसा आ रहा है, बिल्कुल इसके पास आ रहा है, देखो, ठीक है। अब अगर मैं देखूं कि इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ आएगी, ठीक है, दिख जाएगा, इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ आएगी, दिख जाएगा, मुझे तो यहाँ खड़ा है ना, तो ये क्या होगा, जो आर होगा वो इससे बहुत ज्यादा फार हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, किससे? मिरर से, ठीक है। जो एंगल बन रहा है ना वो बहुत बेकार एंगल बन रहा है, ठीक है, जो एक एंगल होना चाहिए वो नहीं बन रहा, ठीक। तो क्या होगा, जो आर है वो नहीं दिखेगा, सिर्फ पी और क्यू ही दिखेगा, ठीक है। ओके मैम। ओके प्लेन मिरर देखिए क्या करना है, कैन पहेली बी पहेली एट बी सी हिज इमेज, ठीक, सी दिस इमेज, जो एक ए है ना, ठीक है, ए एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक, ओके ओके मैम। आपको बतानी है एक ही जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इमेज, एक ही इमेज बतानी है पहले तो, ठीक है। दूसरी चीज कि जो पहेली है क्या वो इमेज देख सकती है, इस इमेज को, ए वाली को, ठीक है। क्या जो भूजो है वो इस इमेज को दे, इसकी जो इमेज बनेगी एक ही, क्या वो उसे देख सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट पूछा गया, व्हेन पहेली मूव्स फ्रॉम बी टू सी, अगर पहेली बी से सी पे चली जाए तो क्या तब वो उसकी इमेज देख सकती है एक ही, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो यही बताना पड़ेगा कि आपकी जो ए है उसकी इमेज कहाँ बनेगी, अगर ये प्लेन सरफेस है तो बताइए। बताएगा कोई बच्चा? क्या हुआ? बताइए।
मेरी बात समझ में नहीं आया क्वेश्चन, पहले मेरे को ये बताओ मुझे बताओ क्वेश्चन समझ आया नहीं आया, फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। सुनाई आ रही है आवाज? आ रही है मैम? समझ नहीं आया मैम, समझ नहीं आया। और कौन बोलेगा फिर? देखो यहाँ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ठीक है, ए ये आपका प्लेन मिरर है। अभी बूझो पहेली को छोड़ दो, गोली मार दो इन्हें थोड़ी देर के लिए, फिर जिंदा कर लेंगे इन्हें ठीक है। अब सुनो, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट ए है ठीक है, और ये प्लेन मिरर है, नॉर्मल प्लेन मिरर है, तो अब आपको पहले तो ये बताना है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी ठीक है, कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बस इतना बताना है पहले मुझे। अब एक बात बताओ, ये ए हो गया ठीक है, ये आई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, हो गया खत्म, टाटा बाय बाय ठीक, पहला वाला हो गया ठीक है। अब दूसरी चीज आपने ये बतानी है कि जो पहेली है क्या वो ए की इमेज को देख सकती है? डेफिनेटली देख सकती है, मिरर में ही तो दिखेगी ना। यस मैम। हाँ तो देख सकती है, पहेली देख सकती है, भुजो देख सकता है, हाँ देख सकता है ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट चीज पूछी गई है कि जो अगर पहेली है अगर वो बी से सी पे आ जाए, मतलब यहाँ आ जाए, तो क्या ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है वो भी चेंज हो जाएगी, वो भी मूव होगी? नहीं। नो मैम। क्यों? नो मैम। हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ी मूव हुआ, पहेली तो मूव हुई है, हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ी मूव हुआ है ना। तो आगे सबको समझ, ये क्वेश्चन बहुत इजी सा था, कुछ भी नहीं था पता इसमें ठीक है। अब हमारा जो चैप्टर है बेटा वो फिनिश हो गया है ठीक। अब मुझे बताओ किसी को कोई भी डाउट तो नहीं है? नो मैम। क्योंकि आज एक लास्ट सेशन है तो आप लोग ही बताओगे कि भाई मैम।